Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about the fundamental unit of life. It is the fifth chapter of class 9th. ये basic notes जो हैं अगर आप मेरे साथ prepare करोगे तो ये chapters जो है आपको बिल्कुल concise हो जाएगा और chapters के basics आप समझ पाओगे. What is the cells, cells का क्या role है, क्या क्या present होता है cell में. तो cell क्या है तो ये हम समझ सकते हैं कि it is a building block. Okay. जैसे कि किसी वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है. इन ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के एक वॉल तैयार हो जाती है. ऐसे ही सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इन सेल्स के मिलने से बना हुआ है. ओके, तो ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेड बाय अ सेल. तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड सेल इज द, अगर डेफिनेशन आती है तो आप लिखेंगे द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंक्शनल यूनिट है सेल्स. ओके, तो सेल्स से की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं. ओके, तो साइटोलॉजी में हम सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं? यू कॉल अ सेल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, सेल के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. इज अबाउट द स्टडी ऑफ सेल, इज अबाउट द स्टडी ऑफ सेल. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रिलेटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल स्टडी के, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल. स्ट्रक्चर क्या है और कंपोजिशन क्या है सेल का? सेल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वेरी करता है, एक स्पेसिफिक होता है. ओके, डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती हैं. जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप का फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं. दैट मीन्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे कि WBC, WBC इज अ अमीबॉइड शेप एंड फंक्शन क्या है इसका? फैगोसाइटिक. जहाँ पे भी इसको एंटीजन मिलेगा उसको एंगल्फ कर लेगी. तो स्पेसिफिक शेप है और स्पेसिफिक फंक्शन भी है. तो सेल की स्टडी और कंपोजिशंस को की स्टडी करने को हम साइटोलॉजी कहते हैं. व्हाट इज अ सेल बायोलॉजी? अगर सेल्स के पूरे डेवलपमेंट को पढ़ा जाएगा, सेल बायोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें स्टडी किया जाता है अबाउट द जेनेटिक स्टडी ऑफ सेल, सेल की जेनेटिकली स्टडी. ओके, एंड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सेल. सेल कितने तरीके से ग्रोथ करी है, दैट मीन्स इज अ सेल डिवीजन. ओके, हम ग्रोथ कर रहे हैं इसका मतलब है नंबर ऑफ अ सेल बढ़ रहे हैं. डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्स, सेल की केमिस्ट्री क्या है, सेल का फंक्शन क्या है. यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं देखा था साइटोलॉजी में. ओके, तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है? साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सेल्स जिसमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का यूज किया जा रहा है. स्टडी और कंपोजिशन के ऊपर स्टडी की जा रही है. एंड सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इज डील विद जेनेटिकल डेवलपमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ सेल. ओके, दिस वन इज अ केमिस्ट्री ऑफ सेल्स एंड फंक्शन, केमिस्ट्री एंड फंक्शन ऑफ द सेल ऑल्सो. ओके, हियर अ फंक्शन ऑफ सेल्स ऑल्सो. ओके, तो ये हो गया सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी. इसके बाद सेल्स के रिलेटेड इवेंट कौन कौन से हैं, कब सेल को देखा गया, ठीक है, रिलेटेड इवेंट. रॉबर्ट हुक, फर्स्ट नेम इज अ रॉबर्ट हुक. ओके, रॉबर्ट हुक इज अ फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल. ओके, सिंपली इन्होंने कॉर्क लिया जो बॉटल पे लगा होता है, इस वुडन कॉर्क. इस कॉर्क को स्लाइड बनाया, स्लाइड प्रिपेयर करके, और ओके, इसका स्लाइस ले लिया, पतला सा स्लाइस, उसको स्लाइड पे लगा के एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप पे देखने पे इनको हनी कॉब जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया. ओके, दिस वन इज अ हनी कॉब लाइक स्ट्रक्चर. इस हनी कॉब जैसे स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दे दिया था सेल्यूला. ठीक है, इज गिविंग द टर्म. It is a Latin word. Name is cellula. Okay, ये cellula का मतलब होता है collectively एक
स्मॉल स्मॉल रूम, सेलुला का मीनिंग लैटिन वर्ड में है स्मॉल स्मॉल रूम्स, तो एक स्मॉल स्मॉल रूम जैसा ब्लॉक बन गया है स्मॉल रूम्स, ओके, सो गिविंग द टर्म ऑफ सेलुला। बाद में इसका नाम सेल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसको इन बॉक्सेस को, अच्छा कब ये स्टडी हुई यहाँ पे नोट करेंगे, 1665, इन 1665 रॉबर्ट हुक एक कॉर्क स्लाइड प्रिपेयर करके सेलुलर टर्म दिया था इसको एंड गिविंग द, ठीक है, नेम सेलुला। सेलुला का लैटिन में वर्ड का मीनिंग है स्मॉल रूम्स, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म इज, ये स्टडी जो उन्होंने केस स्टडी किया, रिसर्च किया, किस बुक में पब्लिश किया था, इस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, द नेम ऑफ बुक माइक्रोग्राफिया, ओके, ये माइक्रोग्राफिया बुक में पब्लिश किया गया था, ओके। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अ परकिंजे, परकिंजे ने बताया कि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम क्या, परकिंजे, साइंटिस्ट नेम इज अ परकिंजे, परकिंजे, परकिंजे इज नोटेड दैट इसके अंदर कुछ फ्लूइड है, ठीक है, सो नेम इज गिवन द प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा दो तो जो बचा हुआ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, ओके, तो हम प्रोटोप्लाज्म क्या है यहाँ पे, यस प्रोटोप्लाज्म इज, यहाँ पे नोट करेंगे, प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक और फ्लूइड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म टर्म इज गिवन बाय अ परकिंजे। एंड नेक्स्ट इज अ लिविंग हॉक, लिविंग हॉक ने बताया कि लिविंग सेल्स भी है, एक्चुअली जो कॉर्क सेल थी वुडन, वुडन पार्ट है तो वो एक डेड सेल है, ठीक है, लिविंग सेल नहीं है, वुड अगर आप देखते हैं तो एक वो डेड सेल है, इट्स नॉट अ लिविंग सेल्स। तो एक और भी साइंटिस्ट है हक्सले, हक्सले ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, यानी कि इसके पास कुछ केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट है, सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा है, सेल को एक सपोर्ट दे रहा है, तो इट्स प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ, फिजिकल बेसिस ऑफ, इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ, ओके, ऑफ लाइफ, ओके। एंड नेक्स्ट साइंटिस्ट लिविंग हॉक बताया मैंने, लिविंग हॉक ने स्टडी किया लिविंग सेल्स पे, कौन कौन से सेल्स देखे थे, बैक्टीरिया सेल को देखा था, लिविंग हॉक ने लिविंग सेल्स फर्स्टली डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स बाय द लिविंग हॉक, अगर क्वेश्चन आता है फर्स्टली लिविंग सेल्स डिस्कवर्ड बाय लिविंग हॉक, ठीक है, डिस्कवर्ड भी लिखते हैं, डिस्कवर्ड, ओके। कौन कौन सी सेल देखा था, स्पर्म सेल्स को देखा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स क्या क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी आपको, प्रोटोजोआ क्या होते हैं अभी आप सिर्फ नोट करेंगे बाकी आगे समझेंगे, स्पर्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड मोस्ट ऑफ ईटीसी, बहुत सारी सेल्स को इन्होंने, लिविंग सेल्स को देखा, कैसे देखा इनके, इन्होंने डिस्कवर किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, उस टाइम पे डिस्कवर हो चुका था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे सकते थे, तो इनकी कंप्लीट तरीके से स्लाइड प्रिपेयर करके देख सकते थे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की स्टडी भी देखेंगे किस तरीके से होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब दो चीजें आती है हमारे सामने, सेल है, ठीक है भाई, सेल है, क्या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो एक सिंगल सेल है और सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यस, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर कहेंगे, क्या ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर है, यस मल्टीसेलुलर है, ठीक है, यानी मोर देन टू सेल्स, इफ आर प्रेजेंट मोर देन टू सेल्स, मोर देन टू सेल्स, दो
या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, इज कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इफ प्रेजेंट ओनली अ सिंगल सेल, सिंगल सेल एनिमल भी कहते हैं इसको, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल्स इज कॉल्ड अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल इज अ बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इज अ प्रोटोजोअन्स यानी अमीवा यानी पैरामीशियम। ओके, दीज ऑल आर द यूनिसेलुलर। तो ये यूनिसेलुलर है, समझ रहे हो, एक सिंगल सेल है, इसके पास ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लाइक न्यूट्रिशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक एक्सक्रीशन? ओके, यस, ये सारे फंक्शन एक सिंगल सेल में भी परफॉर्म हो सकते हैं इफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, इट्स मे बी अ टिश्यू लेवल, इट्स मे बी अ सेलुलर लेवल, समझ रहे, सेल्स सेल्स मिलके, द ग्रुप ऑफ अ सेल्स परफॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ अ सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सेलुलर लेवल पे भी हो सकता है, मल्टीपल सेल है, एंड दिस मे बी फॉर्म अ टिश्यू एंड दिस मे बी फॉर्म अ ऑर्गन्स। टिश्यू टिश्यूज मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, देन ऑर्गन्स ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारे रेस्पिरेशंस की, तो रेस्पिरेशंस में लंग्स है आपके, ब्रोंकाई है, ब्रैंकियोल्स है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ईसोफेगस है, माउथ है, स्टमक है, लिवर है, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो सेलुलर लेवल यदि सेल, द ग्रुप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, द ग्रुप ऑफ अ टिश्यू इज फॉर्म ऑर्गन्स, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल गए आपको, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ अ सेल्स, सेल्स के नंबर क्या है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स दो टाइप। दूसरे आएंगे कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनलीज, ठीक है, तो वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आएंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उनको। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक और एग्जांपल्स भी लिख देते हैं, क्लेमाइडोमोनास, बार बार आपकी बुक में भी रिपीट किया हुआ है, क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास है क्या, क्योंकि अभी आपके लिए ये सब कुछ नया है, दिस वन इज अ एल्गे। ओके, ये ग्रीन एल्गे होता है क्लेमाइडोमोनास, एल्गे काई जिसको बोलते हैं, काई बहुत सारे सरफेस पे, पॉन्ड की सरफेस पे, कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ उस सरफेस पे हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सेल्स के कंपोनेंट के पार्ट। अब के कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेल्स कौन से हैं, ठीक है, तो सम एग्जांपल्स हियर कि मैं कुछ आपको डायग्राम्स शो कर रही हूँ यहाँ पे, एंड देयर आर सम डायग्राम्स फॉर अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया रॉड शेप के भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के हो सकते हैं और रॉड शेप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉड शेप वाले बैक्टीरिया का मैं एक नाम लिख देती हूँ, बहुत सिंपल है, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, बेसिलस, ठीक है, इट इज अ शेप ऑफ अ बैक्टीरिया, नेम ऑफ अ बेसिलस, नेम ऑफ अ बेसिलस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज अ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास को अगर हम देखते हैं तो क्लेमाइडोमोनास के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी दिखता है, इसको कहते हैं फ्लैजिला, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फ्लैजिला। ओके, तो ये है क्लेमाइडो मोनास, जो ग्रीन एल्गे मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन इस अमीवा को भी देख लेते हैं, अमीवा इज अमीवाइड शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है तो हम उसको अमीवाइड शेप कहते हैं, यानी कि इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप्स अमीवा के पास है, ठीक है, इसको आप देख के पहचान सकते हैं, इसमें अमीवा। ओके,
अच्छा, तो ये किसकी बात हो गई? यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई. दीज ऑल आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए. मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स, ओके, मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है ईस्ट, सॉरी, इज अ फंगस, फंगस या फंजाई जिसको कहते हैं. इसमें फंजाइस जितनी भी है सारी मल्टी सेलर है एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट जो है वो यूनिसेलर है. ईस्ट को छोड़ के सारी फंजाई मल्टी सेलुलर है. तो फंजाई पता है आपको, फंगस, ठीक है, मल्टी सेलुलर है. कहाँ कहाँ मिलती है फंगस? हमें ब्रेड पे मिल जाती है. ब्रेड के ऊपर देखो इस तरीके से, इस तरीके से आपको जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब इस तरीके से वैसे थोड़े थोड़े थ्रेड आपको दिखाई दे रहे होते होंगे. तो ये ऐसे माइसीलियम बना लेते हैं. इनको कहते हैं माइसीलियम. फंगस के नेटवर्क को क्या कहते हैं? माइसीलियम. माइसीलियम ये फंगस का जो नेटवर्क है, माइसीलियम. ये किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? ब्रेड मोल्ड. दिस वन इज अ ब्रेड मोल्ड. तो ब्रेड मोल्ड हो गया मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स, फंगस का एग्जाम्पल हो गया. बाकी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हर एक एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है. एनिमल किंगडम में कहीं पे भी आप देखेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑल एनिमल किंगडम. एंड प्लांट्स, यस, ऑल प्लांट्स आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वन आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. दीज आर अ डिफरेंट टाइप एंड शेप ऑफ द सेल्स, ठीक है. ये सेल्स हैव अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज. शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग सेल्स को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? यस, शेप शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे सेल्स को डिवाइड किया गया है. अच्छा, फैट सेल्स, यस, फैट सेल्स, फैट सेल्स के बारे में आपको पता होगा. एडिपोज सेल्स, याद रखना बच्चों, ये फैट सेल्स जो है, दिस वन इज स्टोर्ड इन अवर लिवर. ये फैट सेल्स, ये जो बीच का ग्लोब्यूल वाला पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है, दीज ऑल आर द फैट्स मॉलिक्यूल्स. ये क्या है? फैट्स है, ओके. ये फैट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनको हम कहते हैं एडिपोज. जब ये फैट सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको एडिपोज टिश्यू का नाम दे दिया जाता है. क्या है? एडिपोज टिश्यू. एड हो जा रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे. एडिपोज कहाँ मिलते हैं आपको? लिवर में. फैटी लिवर हो जाता है ज्यादा फैट खाने से. एडिपोज टिश्यू, फैट सेल्स. फैट सेल के अंदर फैट स्टोरेज होता है, ठीक है. अब एपिथेलियल सेल, ये सब आपको बुक में दिखाए गए हैं, ऐसे याद नहीं होंगे. अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तभी आपको लर्न हो पाएंगे, ठीक है. तो ये हो गया आपका, यस, एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल सेल्स हमारे स्किन को कवरिंग देने का काम करती है, ठीक है. एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल, ओके. अब नेक्स्ट वन इज आर नर्व सेल. नर्व सेल के बारे में आपको पता है, इज आर लॉन्गेस्ट सेल इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल के बारे में अगर पूछा जाता है, नेम इज आर नर्व सेल्स, ओके. तो ये नर्व सेल्स में क्या बना रही हूं मैं? नर्व सेल्स के डिफरेंट, एक सेल्स के भी यहाँ पे पार्ट्स हैं. दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. ये सिग्नल रिसीव करने का काम करता है, ओके. दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. इसके पास अपना एक न्यूक्लियस होगा, यस. हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है तो उसके पास भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों ये क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एग्जॉन, इसको बोलते हैं, जो लंबी सी पार्ट दिखाई दे रहा है, एग्जॉन. इस एग्जॉन की लेंथ अनलिमिटेड कितनी भी हो सकती है, ठीक है. इट्स डिपेंड ऑन द कि न्यूरॉन्स कितना लंबा है. दिस वन इज अ नर्व सेल, याद रखेंगे. दिस वन इज अ नर्व सेल्स एंड दीज आर द लार्जेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी. लार्जेस्ट सेल इन एनिमल बॉडी. अब आई मीन लॉन्गेस्ट सेल लिखना था मुझे. लॉन्गेस्ट होता है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल. अच्छा, अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करती हूँ, ऑस्ट्रिच एग बना दिया मैंने यहाँ पे, इसके अंदर ही लिख देती हूँ, ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट सेल. अच्छा, इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो
अगर मेल है तो स्पर्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म इज अ स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके एंड इफ अ फीमेल द एग सेल इज अ लार्जेस्ट सेल इन फीमेल्स. ठीक है, एग सेल, ओवम जिसको हम कहते हैं, एग सेल फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बन रहा है. ठीक है, अब एक बुक में आपको स्मूथ सेल्स और दिखाया गया है. स्मूथ सेल्स को देखने से ही समझ में आ रहा है, दिस वन इज अ स्मूथ पार्ट ऑफ द सेल्स. तो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारे ऑर्गन्स हैं. ठीक है, जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन है. इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मीनिंग है कि जो हमारी इच्छा से नहीं चलते, जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, लाइक अवर लिवर, स्टमक हमारे. ठीक है, तो ये सब जो है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन है. ठीक है, तो ये स्मूथ मसल्स यानी स्मूथ सेल्स हमें कहाँ मिलेगी, हमारे ऑर्गन्स में. ठीक है, स्मूथ सेल्स. अच्छा, एक सेल्स और बने होंगे आपकी बुक में, क्रोमैटोफोर. क्रोमैटोफोर कलर देने के लिए है. ये ब्रांच होते हैं, ये सेल्स ब्रांच होते हैं. तो इन सेल के ऐसे ऐसे करके ब्रांच बने होंगे. तो ये सेल्स कैसे हैं, ब्रांच है, क्रोमैटोफोर्स. क्रोमैटोफोर्स एक ब्रांच सेल्स है. ओके, यहां मेंशन कर देती हूँ, क्रोमैटोफोर्स. ओके, तो ये आपको नोट्स, अगर प्रिपेयर्ड नोट्स, यही वाले नोट्स जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये आपको चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, खुद प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर्स के. ठीक है, तो एक एक कंटेंट्स आप मेरे साथ रेगुलरली पढ़ते रहोगे तो आपको नाइन्थ क्लास टिपिकल नहीं लगेगा. एट्थ के बाद बच्चों को थोड़ा सा नाइन्थ टिपिकल लगता है. ठीक है, अगर जैसे जैसे आप कंटिन्यू पढ़ते जाओगे तो ये सब चीज़ें आपके लिए ईजी सिंप्लीफाई होते जाएंगे. ठीक है, मेनली कंसेप्ट को समझना है कि है क्या. ठीक, ओके, अच्छा, सेल का साइज बता दिया मैंने आपको. ओके, एंड जैसे जैसे पर्सन ग्रोथ करेगा, नंबर ऑफ अ सेल इंक्रीज करेंगे. अब हम एक माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर. ठीक है, माइक्रोस्कोप है क्या, माइक्रोस्कोप एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आप चीज़ों को मैग्नीफाई करके देख सकते हो. ठीक है, इसमें हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखते हैं, इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक कंपाउंड, एक सिंपल होता है, उसका आजकल कोई यूज नहीं होता. आपके बुक में मेंशन किया हुआ है कंपाउंड एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा, जो चीजें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो वो आप माइक्रोस्कोप से देखते हो. ठीक है, दोज सेल्स आर स्मॉल सेल्स. ठीक है, विच कैन नॉट बी visible by naked eyes, we can see under this instrument is called microscope. ठीक है, ये instrument बहुत छोटे से चीज, common चीज को भी आपको enlarger zoom करके दिखाता है. ठीक है, compound microscope किसने बनाया था, Zeissner. okay, तो compound microscope Zeissner ने produce किया था सबसे पहले, तो इसको भी mention कर देंगे. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ड्रॉ वैसे किया जाएगा, देखो सिंपल है बिल्कुल. यहाँ पे आपको हर एक इसके पार्ट का नेम प्लस उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए. ठीक है, ये आईपीस है, यहाँ पे आई लेंस रखा होता है. ये है आईपीस, जहाँ पे आई लेंस रखा होता है. ठीक है, इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसके नीचे कंडेंसर मिलेगा, इसके नीचे. ठीक है, ये मिलेगा बॉडी ट्यूब जैसा पार्ट, बॉडी ट्यूब. ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये इसके अंदर फिट है. ओके, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर फिट है. ये है यहाँ पे आईपीस. ठीक है, यहाँ पे आईपीस लगा होगा. ठीक, यहाँ पे और ये वाले पार्ट में एडजस्टमेंट होंगे, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट. दिस वन इज द आर्म, दिस वन इज द आर्म ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. ओके, यहाँ पे इसके स्टैंड, यहाँ पे इसका स्टैंड जहाँ पे स्लाइड को रखना होगा, यहाँ पे इसका स्टैंड जहाँ पे स्लाइड को रखना होगा. ओके, तो ये हो गया आपका
और इसके नीचे जिस पे पूरा कंप्लीट स्टैंड है, यहाँ पे एक मिरर होगा जिससे रिफ्लेक्ट होके क्या आएगी, लाइट पड़ेगी, जिससे कि आप इमेज को देख पाएंगे। ओके, तो जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब इसको यूज करेंगे, अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट करता है, किस तरीके से ये इसके किस पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या फंक्शन है। ओके, एंड दिस वन इज अ स्लाइड, ये क्या है, स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड है, यहाँ स्लाइड को होल्ड करने के लिए होल्डर्स भी लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट क्या है, आई पीस, यहाँ पे एक और लेंस होता है और यहाँ पे हमारी आंख रखी होती है, या हम यहाँ से आंख से देखते हैं, सो नेम इज द आई पीस, ये क्या है बच्चों, आई पीस, आई पीस। ठीक है, ये क्या है, दिस वन इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा आई पीस का पार्ट ही है। ओके, तो ये क्या है, बॉडी ट्यूब, बॉडी ट्यूब। ओके, ये क्या है, कोर्स एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट होता है कि आपको क्लियरली विजिबल देखनी है ये स्लाइड के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो ये चीज ऊपर और नीचे जाएगी, ये कंडेंसर ऊपर और नीचे जाएगा कोर्स एडजस्टमेंट से, फाइन एडजस्टमेंट से ये जस्ट फॉर रोटेट करेगा हल्का हल्का, फाइन से हल्का हल्का रोटेट करेगा, कोर्स से ये ऊपर नीचे जाएगा। तो कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट का यूज करके हमें विजिबल स्लाइड्स को प्रिपेयर करना होता है, स्लाइड्स को देखने के लिए कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आर्म लिखेंगे, ठीक है, आर्म का कोई यूज नहीं है, पकड़ने के लिए इसका यूज है, एंड ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, स्लाइड आपने है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और दिस वन इज ऑब्जेक्ट नहीं, स्लाइड बोलेंगे, ऑब्जेक्ट लेंस होगा यहाँ पे जिसे आप देख रहे हो, दिस वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, लेंस की भी अलग अलग फोकस होते हैं, ठीक है वो, एंड दिस वन इज अ स्लाइड। ओके, ये मिरर लगा होगा, ओके, और ये इसका बेस पार्ट है जहां से ये, ठीक है, बेस पार्ट। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम भी प्रिपेयर करना आना चाहिए। ओके, तो माइक्रोस्कोप के बारे में देख लिया आपने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय द जीज एंड सीन। ओके, नेक्स्ट पार्ट में सेल्स का ऑर्गेनाइजेशंस, सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स उनको देखेंगे, एंड सेल ऑर्गेनलीज कौन कौन से हैं, इट्स द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल।